नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सितंबर महीने के लिए कन्या राशि का जो राशिफल है वह राशिफल पूरे डिटेल में देखेंगे। उससे पहले करीबन पिछले डेढ़ से दो महीने तक आपकी जो राशि थी वो राशि किन्हीं कारणों से थोड़ी स्ट्रेस में चल रही थी, तो उसकी वजह कुछ ग्रह थे कि जो वक्री अवस्था में थे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर ये है कि ये जो वक्री ग्रह है मंगल और शनि, यह अभी मार्गस्थ हो रहे हैं। मतलब आपके छठ पंचम भाव का जो मंगल है वो अभी मार्गस्थ हुआ है और दिनांक 6 तारीख से ये चतुर्थ भाव का शनि है वो भी मार्गी होने वाला है। तो इसके परिणाम आपके लिए क्या होंगे और किस तरह से यह जो ग्रह है वो आपके राशि पे परिणाम करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप नोटपैड और पेन अपने हाथ में लेकर तैयार रहिए, जिसके वजह से जो भी शुभ और अशुभ काल है वो अगर आपको समझ में आ जाए तो उसी को ध्यान में रख कर आप अपना जो दिनक्रम है वो बना सकते हैं पूरे सितंबर महीने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिनांक 1 तारीख के दिन जो चंद्रमा रहेगा वो आपके अष्टम भाव से भ्रमण करेगा। उस दिन जो व्यय भाव का जो बुध है उसके साथ यह जो अष्टम भाव का चंद्रमा है वह नव पंचम योग करेगा और आपके व्यय भाव में भी रवि स्थित है, तो उसके वजह से आपके जो मन में थोड़े विचार आ सकते हैं आपके घर के मामले को लेकर। तो वही विचारों में आपका जो एक पहला दिन है सितंबर का 1 तारीख है वो इन्हीं विचारों में बीतेगा, लेकिन ये जो विचार रहेंगे वो थोड़े पॉजिटिव रहेंगे। देखिए, आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा सोचने वाली है। मतलब कोई भी काम अगर करना हो तो सबसे पहले आप सोचते हो कि वह काम किस तरह करना है, वो काम कब तक पूरा होगा और वह काम करने के लिए किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और यह सब करने के बाद भी सोच विचार थोड़ा आपका यह रहता है कि वो काम करे या ना करे, वो थोड़ा द्विधा मनस्थिति में आपका मन रहता है। यही आप थोड़ा बहुत अनुभव करोगे 1 तारीख के दिन। दिनांक 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख के दोपहर 1 बजे तक जो चंद्रमा है वह चंद्रमा आपके भाग्य भाव से भ्रमण करेगा और वह चंद्रमा आपके पंचम भाव में स्थित केतु और मंगल के साथ नव पंचम योग करेगा। यह जो दिन है वो बहुत ही अच्छे दिन है आपके लिए। आपके मन में जो भी काम या तो फिर विचार चल रहे थे पिछले दो दिनों से, वो जो विचार है वो किस तरह से काम में लिए जाए इसी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा विचार मंथन करोगे और उसके लिए बाकी के जो केस किस तरह से ये सब भी विचार प्रत्यक्ष रूप में आने के लिए आपको क्या करना चाहिए इसी के बारे में आप ज़्यादा सोच विचार करोगे। और दूसरी बात, इन दिनों में आपका कहीं छोटा मोटा प्रवास या फिर आना जाना भी हो सकता है इन्हीं कारणों के लिए। तो बहुत ही अच्छा और सरल दिन है आपके लिए, आप इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। उसके बाद दिनांक 4 तारीख के दोपहर 1 बजे से दिनांक 6 तारीख के सुबह 10:15 बजे तक का जो समय है उसमें जो चंद्रमा है वह आपके दशम भाव से भ्रमण करेगा और यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित शुक्र और गुरु के साथ नव पंचम योग करेगा। इसके फल यही होंगे कि आप जहां पर भी काम करते हो, जहां पर भी आपका वर्क प्लेस है, अगर आप बिजनेस भी करते हो वहां पर आपको खूब अच्छी तरह से सहयोग मिलने के चांसेस है, बहुत ही अच्छी तरह से। मतलब आप जहां पर काम करते हो वहां पर जो अभी आपके सीनियर वगैरह रहेंगे, मतलब उम्र से आपसे बड़े रहेंगे या फिर अहदे से आपसे बड़े रहेंगे, उनकी कोई सलाह आपको काम आने के चांसेस है और आपके उनके साथ जो संबंध है वो भी बहुत अच्छी तरह से नजर आएंगे। आपका जो उनके साथ घुल मिल जाना है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इसकी वजह से आपकी जो मनस्थिति है बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। तो ये जो दिन है वह दिन आपके लिए अच्छे ही होंगे। दिनांक 6 तारीख के सुबह 9:46 से दिनांक 8 तारीख के सुबह 10:30 बजे का जो कालावधि है, इन कालावधि में जो चंद्रमा रहेगा वो आपके 11 भाव में या फिर एकादश स्थान से भ्रमण करेगा। वहां पर स्थित राहु से ये जो चंद्रमा है वो युति योग करेगा और सप्तम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करेगा। आपने जो भी काम किए हैं, आपको जो भी मदद मिली है तो उसके लिए
आपके मन में थोड़ी बहुत शंका इस बात से लेकर हो सकती है कि जो भी आपने काम किया उसका लाभ आपको मिलेगा या नहीं, या फिर उसका लाभ आपको पूरी तरह से जो भी आप अपेक्षा करते हो, एक्सपेक्ट करते हो, उसी तरह से मिलेगा कि नहीं, उसी थोड़ी द्विधा अवस्था में आपका मन हो सकता है। या फिर आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, आपके जो भी मित्र है, उनसे भी कुछ ना कुछ तो ऐसे आपको अनुभव आएंगे कि जिस वजह से आपको लगेगा कि ये मित्रों का खेल, उसमें कुछ मजा नहीं है। ये मित्र वगैरह जो होते हैं उनके काम के लिए होते हैं, हम उनको कितना भी मदद करें लेकिन जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तभी कोई हमें मदद नहीं कर पाता। इसी वजह से कोई ना कोई मित्र से आपको ऐसा एक्सपीरियंस या फिर अनुभव होने के बहुत ज़्यादा आसार है। दिनांक 8 तारीख के सुबह 10:30 बजे से लेकर 10 तारीख के सुबह 11 बजे तक का जो समय है, उस समय में चंद्रमा आपके व्यय भाव में होगा और व्यय भाव में स्थित रवि से यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। इसे हम अमावस्या भी कहते हैं। यह जो अमावस्या है वह अमावस्या आपके व्यय भाव में है। तो मेरे ख्याल से ये जो दिन है उस दिनों में आप पूरी तरह से शांत होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार होंगे और आपकी जो राशि है वो निगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी कर लेती है। और अमावस्या भी होने के कारण और व्यय भाव में वो आपकी जो अमावस्या वो होगी, इसके वजह से अनवांटेड जो आपको आपके मन में भी नहीं है और जो असल में आने वाले भी नहीं है, वो स्ट्रेस, वो टेंशन आप लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहोगे, बहुत ज़्यादा चिंता में रहोगे। तो ये जो दिन है थोड़े चिंता में जाने के संभावना है। हालांकि चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी राशि ऐसी है कि जो बात सामने दिख नहीं भी रही है उसके बारे में आप चिंता करना शुरू करते हो। चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इस माह के करीबन 14 तारीख के बाद जो रवि आपके व्यय भाव में था वह आपके लगन में आ रहा है और बुध भी जो कि व्यय भाव में था वह आपके लगन में आ रहा है। तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दिनांक 10 तारीख के 11 बजे से सुबह 11 बजे से 12 तारीख के सुबह 1:30 बजे तक का जो कालावधि है उसमें जो चंद्रमा है वह चंद्रमा आपके लगन भाव में आएगा और लगन भाव में जो बुध है उसके साथ युति योग करेगा। तो ये जो कालावधि है, तो जो भी आपने स्ट्रेस लिया था करीबन 3-4 दिनों से, वो सभी आपकी जो मनस्थिति है वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी। बहुत ही अच्छा कालावधि है आपके लिए। अब फिर से आपके मन में कोई नए विचार आ जाएंगे और आपके लगेगा कि करीबन पिछले 1-1.5 महीने से आपने जो भी स्ट्रेस लिया था वो अभी धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएगा। नई नई कल्पना आपको आएगी। अगर आप विद्यार्थी हो तो अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उसके बारे में भी आपको कुछ अच्छे अच्छे जो भी है रिजल्ट्स आते हुए नजर आएंगे। बहुत ही अच्छा दिन आपके लिए गुजरेगा और किन्हीं जो आपकी जो पॉजिटिव जो स्ट्रेंथ है, मतलब आपका जो ग्रास्पिंग है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, वो बहुत अच्छी है। तो इन दिनों में कुछ नए आइडिया आपको ऐसे सूझेंगे कि जो आप प्रत्यक्ष रूप में लाना भी पसंद करोगे। अगर वो आप प्रत्यक्ष रूप में लाओगे तो भी अच्छा ही होगा। तो आप पूरी तरह से उसके पीछे पड़ जाओ, मेरे ख्याल से उससे आपको लाभ ही होगा। दिनांक 12 तारीख के सुबह 1:31 से लेकर 14 तारीख के शाम 7:14 का जो समय है, उस समय चंद्रमा है वो आपके द्वितीय भाव से भ्रमण करेगा और द्वितीय भाव में स्थित गुरु और शुक्र के साथ यह चंद्रमा युति योग करेगा। आपका जो वीक पॉइंट है, या तो फिर हमेशा आप थोड़े पैसों के बारे में थोड़े ज़्यादा सोचते हो, आपका जीवन का तत्वज्ञानी यही है कि अगर अपने पास पैसे हो तो ही जमाना हमें कुछ पूछने वाला है, उसके बाद ही जमाना हमसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकता है। तो यह जो भाव है, यह भाव की परिपूर्णता आपको इन दिनों में होने की बहुत ज़्यादा चांसेस। आपको लगेगा कि जो भी जिस तरह से आप जिंदगी गुजार रहे हो, जिस तरह से भी आपका व्यू है, उसी के चलते हुए अच्छे रिजल्ट्स आपको ये फाइनेंशियल स्टेटस या फिर आर्थिक जगत में मिल रहे हैं। मतलब आप जो सेविंग करते हो उससे आप खुश भी रहोगे और आपके घर का जो वातावरण है वो भी बहुत ही आनंदपूर्ण होगा। बहुत ही अच्छा दिन आपको आपका गुजरेगा। मेरे ख्याल से आपके घर में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है उनसे आपको अच्छी सलाह मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है।
बहुत ही अच्छे चांसेस है और अभी का जो समय है आप जो भी करोगे उससे आपको फायदा ही होगा। ऐसा समय आपका चल रहा है, मेरे ख्याल से ये सितंबर के करीबन 15 तारीख के बाद का जो समय आपके लिए शुरुआत हो जाएगा वो आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपका आप उसके हिसाब से पूरे तरह से फायदा लेने के लिए तैयार हो जाओ। दिनांक 14 तारीख के शाम 7:15 से लेकर 16 तारीख के सुबह 4:55 का जो समय है उस समय जो चंद्रमा है वो आपके तृतीय भाव से भ्रमण करेगा और सप्तम भाव में स्थित नेपच्यून से वह नव पंचम योग करेगा। तो जो भी आप काम करते हो उसके बारे में कुछ नई नई कल्पना आ सकती है या फिर आपके जो बंधु वर्ग है, आपके जो भाई और बहन है उनसे भी आपको कुछ ऐसी सलाह मिल सकती है, उनसे भी आपका जो रिलेशन है नॉर्मल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और वो जो सोच होती है वह आपके फायदे के लिए होती है, तो इसी प्रकार की सोच में आप डूबे होते हुए नजर आओगे क्योंकि इसके पहले के जो 2-3 दिन है उसमें आपने सोचा होगा या फिर देखा होगा प्रत्यक्ष रूप में कि जैसा ही भी आपने सोचा था उस तरीके से काम होते हुए नजर आ रहे हैं और फाइनेंशियली भी आपकी जो राशि है वो बहुत अच्छा अभी कर रही है। तो उसी के रूप में आप अभी बहुत ज़्यादा इन दिनों में भी सोचते हुए नजर आओगे और उसके बारे में आपको इंट्यूशंस भी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दिनांक 16 तारीख के सुबह 4:55 से लेकर 19 तारीख के शाम 5:05 तक जो चंद्रमा है वह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव से भ्रमण करेगा और वहां पर स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करेगा। इसका यह फल होगा कि आप अपने घर के जो लोग थे करीबन पिछले 1.5-2 महीने से आपने देखा होगा कि घर के मामले में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे रहे थे क्योंकि घर के कोई व्यक्ति थे वह अच्छी तरह से बर्ताव नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से घर का जो माहौल था वो इतना ठीक नहीं चल रहा था। अभी धीरे धीरे जाके वो जो माहौल है वो नॉर्मल होते हुए नजर आएगा, लेकिन फिर भी आपका जो स्वभाव है थोड़ा विचार करने वाला है, तो ये जो 2-3 दिन है वो इसी विचार में डूबेंगे कि यह जो बात है वह बात और किस तरह से अच्छी कर दी जाए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और थोड़ा आराम करना भी पसंद करोगे इन दिनों में, तो थोड़ा शांत आप दिमाग रखोगे और शांति से विचार करोगे। मेरे ख्याल से जो भी आपने परेशानी घर वालों के बारे में देखी थी वो अभी धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी। और जिनके जो इन कन्या राशियों के माताजी के बारे में अगर आप उनके सेहत के बारे में कुछ परेशानी थी वो भी अभी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी, तो उनके लिए यह अच्छी खबर है। दिनांक 19 तारीख के शाम 5:05 से लेकर 22 तारीख के सुबह 6:11 का जो समय है उस समय चंद्रमा है वह आपके पंचम भाव से भ्रमण करेगा और पंचम भाव में से मंगल और केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। यह समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि पिछले 1.5-2 महीनों से जो भी बात चल रही थी आपके आपकी जो संतान थी उनके बारे में आपको थोड़ा सा सोच विचार आप कर रहे थे, अगर आप किसी शेयर मार्केट में वगैरह थे तो वहाँ पर से आपके आपके जो अंदाज थे वो सब चूक रहे थे, वो गलत आ रहे थे, तो अभी वो बात है वो अभी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी, मतलब पॉजिटिव आपको दिखेगा। संतान के बारे में भी कुछ अच्छे ऐसे बर्ताव आपको दिखेंगे और आप जो अंदाज लगाओगे अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, ट्रेड करते हो, तो वहाँ पर भी आप जो अंदाज लगाओगे वो धीरे 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 सकारात्मक होते हुए नजर आएगी और कुछ ना कुछ तो इंट्यूशंस भी आपको मिलेगा। अगर आप धार्मिक या आध्यात्मिक मार्ग में हो तो इन दिनों में कुछ ना कुछ तो आपको इंट्यूशंस जरूर मिलेगा कि जो आपके आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दिनांक 22 तारीख के सुबह 6:11 से 24 तारीख के शाम 5:25 का जो समय है उस समय चंद्रमा है वह आपके छठे भाव से भ्रमण करेगा और द्वितीय भाव के शुक्र और गुरु के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। तो इन दिनों में आप अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा करोगे ही, वैसे आप खर्चा ज़्यादा करने में यकीन नहीं रखते लेकिन इन दिनों में परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो जाएगी कि आपको खर्चा करना ही पड़ेगा उनके आनंद के लिए, तो ये जो बात है वो आपको ज़्यादा जमेगी नहीं क्योंकि पैसा अगर खर्चा करना हो तो वो बात आपको ज़्यादा जमती नहीं,
इसी की वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रहोगे, थोड़ा बहुत टेंशन में रहोगे, लेकिन टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये जो पैसे है वो आपके लिए इन महीनों में बहुत मात्रा में आने की संभावना लगती है। खास करके जब भी सूर्य का परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन वो होने वाला है 14 तारीख को, तो 14 तारीख के बाद का जो समय है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। दिनांक 24 तारीख के शाम 5:25 के से 25 और 26 तारीख तक यह जो चंद्रमा है वह चंद्रमा आपके सप्तम भाव से भ्रमण करेगा। देखिए आपके अपना जो जीवन साथी है उनके साथ कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातों पे साशंकता आपके मन में रहेगी, कुछ ना कुछ तो ऐसे सोच रहेगी कि कुछ तो प्रॉब्लम है, आपको अपने जीवन साथी के साथ इतने अच्छे तालमेल नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो बात है उसमें अभी सुधार होते हुए आपको नजर आएगा। ये जो बात है वो करीबन पिछले 2-3 महीने से चल रही है कि आपके जीवन साथी के बारे में आपके मन में कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ ना कुछ तो ऐसे बातें हो रही थी, लेकिन अभी से आगे ये जो बातें हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो व्यय भाव का रवि है, सूर्य है, वो भी आपके लग्न में आ रहा है। तो उसके वजह से इन दिनों में जो भी आपको आपके जीवन साथी के बारे में जो साशंकता थी वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। दिनांक 27, 28 और 29 अगस्त के सुबह 8:26 का जो समय है उस समय यह जो चंद्रमा है यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव से भ्रमण करेगा और वह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित शनि से नव पंचम योग करेगा। सेहत के बारे में थोड़ा आप ज़्यादा सोचोगे इन दिनों में, सेहत के बारे में थोड़े बहुत ऐसे कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं जो थोड़ा बहुत आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, लेकिन यह जो सेहत का मामला है वो ज़्यादा दिनों तक रुकने वाला नहीं है, नॉर्मल रहेगा, कुछ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा बहुत आपको प्रेशर आएगा, अगर आप गृहिणी हो तो ससुराल के लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो मनमुटाव हो सकता है, उसके ऊपर ध्यान देना कि ये जो बात है यह बात इन दिनों में आपको नजर आने की बहुत ज्यादा संभावना है। दिनांक 1 तारीख के दिन आपका ये जो चंद्रमा है वो भाग्य भाव से भ्रमण करेगा। फिर से आप अपने सोच में डूबोगे, इसलिए क्योंकि ये जो पूरा महीना है सितंबर का जो पूरा महीना है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इवेंटफुल रहेगा। आपने जो भी सोचा है, मतलब जो भी व्यक्ति अगर वो स्टूडेंट है, गृहिणी है, या फिर ऐसे इंसान जो भी काम पे है, नौकरी करते या फिर बिजनेस करते, सभी के लिए ये जो महीना है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो पूरा इवेंटफुल होने के कारण करीबन 30 तारीख के दिन आप इन सभी पर अच्छी तरह से विचार करोगे और आपकी राशि भी ऐसी कि आप बहुत ज़्यादा विचार करते हो, तो विचार मंथन बहुत ज़्यादा होगा दिनांक 30 तारीख के दिन। तो मित्रों ये थी सितंबर महीने के लिए कन्या राशि के लिए हर एक दिन का जो राशि फल है वो। यह राशि फल आपको कैसा लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, यह अनुभव आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।